इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, इसे डिस्टेंस कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है एंड सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी। सो देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझते हैं राइट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड दिस इज द एनी लाइन। देखिए इस लाइन का हमें कोई पॉइंट गिवन है, सपोज ये पॉइंट कंसीडर करा हमने, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स वन एंड वाई वन, और इसका हमें स्लोप गिवन है, और या तो एम वैल्यू गिवन होगा या नहीं तो इसका एंगल गिवन होगा। एंगल गिवन होगा तो टेन थीटा की वैल्यू से हम एम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें करना है, इसमें क्या कंसेप्ट क्या है, यहां से आर डिस्टेंस पे देखिए, या तो ये राइट हैंड फेस पे होगा या देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड फेस पे, आपको भी आर डिस्टेंस गिवन होगा। आर डिस्टेंस या तो इसके पॉइंट के लेफ्ट में या पॉइंट के आर में, और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं आफ्टर द आर डिस्टेंस, यहां पे आपको इसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे एक्स के और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या इस पॉइंट पर हमें एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट, यही कॉन्सेप्ट कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। और जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो देखिए हमें यहां से एक फॉर्मूला मिलेगा, सो हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए हम एक फ्रेश ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। सो दैट इज द एंटायर एक्सप्रेशन हम क्लीन कर देते हैं और एक फ्रेश ज्योमेट्री हम यहाँ यूज करते हैं। सो देखिए फिर से हमने यहाँ पे एक ज्योमेट्री लिया, दिस इज द एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, और एक लाइन हम कंसिडर कर लेते हैं इस पॉइंट पे राइट। और दिस इज द पॉइंट इज गिवन, पॉइंट इज एक्स वन एंड वाई वन, एंड फ्रॉम द दिस फेस आई कंसिडर द आर डिस्टेंस एंड दिस इज द पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई राइट, और हमें इसका थीटा या इसका एम गिवन है। चलिए यहां से हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा यहां से एक्स, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा एक्स वन, और दिस कोऑर्डिनेट इज वाई वन, और ये कोऑर्डिनेट हमें यहां से मिल जाएगा एक्स। सो आप देखेंगे आपको एक ट्रायंगल यहां पे फ्रेम हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए हमें कॉस थीटा साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाना है। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, और आप देखेंगे बेस हमें ये लेंथ मिलेगा, और ये लेंथ हो जाएगा हमें एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय, और ये डिस्टेंस देखिए हमें आर गिवन है, सो दिस इज द आर रिलेशन। सिमिलरली हम ये वाला फेस फाइंड करने के लिए साइन थीटा यूज करेंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे ये लेंथ आपका हो जाएगा वाई माइनस वाई वन एंड इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूस हमें मिलेगा आर। सो दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे आर का रिलेशन यूज हो रहा है। सो उस रिस्पेक्ट में जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो देखिए आर हम दोनों तरफ आगे ले लेते हैं। सो आर इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन कॉस थीटा एंड आर इक्वल्स टू y माइनस वाई वन इक्वल्स टू साइन थीटा। सो हम जब फाइनल फॉर्म में ड्राइव करेंगे इसका, तो मैं फ्रॉम x माइनस एक्स वन कॉस थीटा, और देखिए यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ प्लस माइनस r का, इसका मतलब ये होता है कि r अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर होगा तो नेगेटिव होगा और राइट पे होगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हम दोनों केस कंसिडर करते हैं। सिमिलरली जब हम साइन को के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, सो वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमें यहां से मिलेगा प्लस माइनस आर। सो हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा यहां से एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। और देखिए उस कंडीशन में आपको जो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एक्स एंड वाई। हम डायग्राम प्रीवियस देख लेते हैं, हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और एक्स एंड वाई वन हमें गिवन है। तो कई बार ये फॉर्मूला इस वे में भी मेंशन होता है कि यहां से हमको जो वैल्यू मिल जाएगा एक्स का, देखिए इसको अगर हम शिफ्ट कर दें आर के पास में, सो प्लस माइनस आर, आप जानते हैं ये दोनों साइन यूज करेंगे हम यहाँ पे कॉस थीटा, और ये एक्स वन जब इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहां से आपको ये कोऑर्डिनेट डायरेक्ट में मिल सकता है। सिमिलरली जब हम इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस r साइन थीटा प्लस y1। सो आपने देखा ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट आप इसके
यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट हमें कोऑर्डिनेट बाय दिस फॉर्मूला मिल जाएंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास एक लाइन है और उसके कोऑर्डिनेट जो हमें गिवन दे हैं, जो गिवन है कोऑर्डिनेट वो 3.2 है और इसका जो m का वैल्यू हमें दे रखा है वो हमारे पास में है, सपोज मैंने 3/4 कंसिडर करा और कुछ r डिस्टेंस पे, कुछ e डिस्टेंस पे मान लेते हैं हमें कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और r का जो हमें वैल्यू इस बार गिवन है मान लेते हैं वैल्यू हमें 5 है। तो चलिए हम इसके ये कोऑर्डिनेट जिसे हमने x और y कंसिडर करा है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सो बाय कंसेप्ट अभी हमने देखा x इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉस सॉरी r cos थीटा और जो m का वैल्यू आपको दे रखा है तो देखिए tan थीटा जो होता है वो 3/4 होता है। तो हम जानते हैं अगर tan थीटा 3/4 है तो इसका हाइपोटेन्यूस हमको मिलेगा 5। तो यहां से हमें जो cos का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आप देख सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, cos का नहीं, x की जो वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस का 5, यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे प्लस माइनस 5 और देखिए यहां से हमें cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 4/3, ये आप देख रहे हैं। और यहां मुझसे मिस्टेक होगी, मुझे यहां पे प्लस का x1 मेंशन करना था और x1 कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है यहां से प्लस का 3। सो यहां से देखिए x का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, जब इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे 20/3 और यहां से 20 यहां से 9, सो प्लस माइनस 29/3 ये हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा। सिमिलरली जब हम वैल्यू निकालेंगे y की तो y इक्वल्स टू भी हमें मिल जाएगा 5 प्लस माइनस में और साइन थीटा का वैल्यू 3/5 मिलेगा देखिए और प्लस y1 का कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे प्लस का 2 होगा। तो जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे यहां से हमें 15 प्लस 10 25, सो देखिए यहां से इस पॉइंट पे हमने प्लस लिया था, अगर माइनस लेंगे तो हमें कुछ और वैल्यू भी मिलेगी। सो y इक्वल्स टू प्लस का 25 जब इसको सॉल्व करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 मिलेगा और जब आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे यहां से तो माइनस का 15 उसमें से जाएगा तो माइनस का 5/5। सो यहां से कोऑर्डिनेट आपको देखिए यहां से y का एक कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा इस पॉइंट पे जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे प्लस का 5 और इस पॉइंट पे माइनस का 1। सिमिलरली जब हम यहां पे सॉल्व करेंगे प्लस साइन लेके सो 29/3 ये फर्स्ट केस होगा और जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 20 उसमें से 9 जाएगा सो माइनस का 11/3। तो आप देखेंगे जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो इस फेस के और इस फेस के दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे।